तो फाइनली प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की तरफ से 2021-22 का नया लिस्ट आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो PMAYG 2021-2022। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप 2021-22 का नया लिस्ट देखना चाहते हैं, आपकी ग्राम पंचायत में 2021-22 का नया लिस्ट आया या नहीं आया, कितने लोगों को 2021-22 में नया घर मिलेगा, आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है, अगर आप पूरी सूची लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत से लोगों का नाम दे रखा है 2021-22 में। अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से नया घर दिया जाएगा 2021-22 में। ठीक है, तो दोस्तों कैसे आप अपना सूची लिस्ट में नाम चेक करेंगे, सबसे पहले तो देखिए आप अपने लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर में गूगल को ओपन करेंगे और गूगल में आपको लिखकर सर्च करना होगा rhreporting.nrc.in। ठीक है, इतना लिखकर आप सर्च करेंगे rhreporting.nrc.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट मिल जाएगी rhreporting.nrc.in। आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है, इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में सबसे फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन मिलेगा होम। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं आपको इस होम बटन पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपकी डिटेल इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये जो पॉपअप पेज दिख रहा है, आप यहाँ से इसे क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आवास सॉफ्ट, आपको आवास सॉफ्ट पे आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल इस तरह से ओपन हो जाएगी। अगर आप 2021-22 की न्यू लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलेगा बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट, आपको सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको अपने प्रदेश का नाम सेलेक्ट करना है, आप किस प्रदेश की यहाँ पे सूची लिस्ट देखना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अभी सभी प्रदेश का यहाँ पे सूची लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो आप किस प्रदेश में रहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके प्रदेश का सूची लिस्ट आ जाएगा तो इस पे मैं एक नया वीडियो जरूर बना दूंगा। तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना है। ठीक है, स्टेट का नाम सेलेक्ट करने के बाद फिर से आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको अपने जिले का नाम सेलेक्ट करना है, तो आपका जो भी जिले का नाम है उसे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर से आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको अपने ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करने के बाद देखिए फिर से आपको सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपने ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी ग्राम पंचायत है उसे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको सभी ग्राम पंचायत की यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल जाएगी, तो आपका जो भी ग्राम पंचायत है आप अपने ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं अपने ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप फिर से सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको ईयर बाय ईयर ऑप्शन जाता है। अगर आप 2021-22 की लिस्ट देखना चाहते हैं तो आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन जाता है 2021-2022, आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए फिर से आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में आपको एक आंसर कोड मिलेगा। अगर यहाँ पे आपका आंसर कोड प्लस है तो यहाँ पे आपको जोड़कर सबमिट कर देना है। अगर यहाँ पे आपका आंसर कोड माइनस है तो यहाँ पे आपको माइनस करके सबमिट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने आंसर कोड को यहाँ पे फिल कर देता हूँ, आपका जो भी माइनस प्लस है उसे यहाँ पे आप फिल करेंगे। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखिए अगर आपका आंसर कोड सही होगा तो यहाँ पे जो आपकी ग्राम पंचायत की सूची लिस्ट है वो निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी सूची लिस्ट है वहाँ पे निकल कर आ चुकी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपके पिता पति का नाम आ जाएगा और यहाँ पे सबसे लास्ट में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से घर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो PMAYG 2021-2022। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको सूची लिस्ट निकाल कर दिखाई है ये 2021-22 की है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2021-22 में नया घर आ चुका है। तो इस तरह से आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की न्यू सूची लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत से लोगों का यहाँ पे डाटा नॉट फाउंड दिखाता है, तो यहाँ पे देखिए डाटा नॉट फाउंड क्यों आता है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पहले से यहाँ पे डाटा को ओपन कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये जो सूची लिस्ट मैंने चेक की है, यहाँ पे आप देख सकते हो डाटा नॉट फाउंड दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्टेट यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया है, उसके बाद जिला फरकवाल सेलेक्ट किया है और ब्लॉक यहाँ पे मैंने मोहम्मदाबाद सेलेक्ट किया है। ठीक है, ग्राम पंचायत यहाँ पे मैंने दूसरा सेलेक्ट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो अछनौरा। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने ग्राम पंचायत दूसरा सेलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस ग्राम पंचायत की यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे देखिए इस ग्राम पंचायत को मैंने यहाँ पे दूसरा सेलेक्ट किया था, तो इस ग्राम पंचायत की 2021-22 की नई लिस्ट आ चुकी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी सभी ग्राम पंचायत की 2021-22 की नई लिस्ट नहीं आई है। तो आपकी ग्राम पंचायत की 2021-22 की लिस्ट आई है या नहीं आई है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।